नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो महाराजगंज जनपद का घुगली का चीनी मिल है। 52 एकड़ में फैला यह चीनी मिल कोई आम चीनी मिल नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश का पहला चीनी मिल है और महाराजगंज जनपद का कभी पहचान हुआ करता था। पिछले 25 वर्षों से घुगली का यह चीनी मिल अपने बदहाली पे आंसू बहा रही है। कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी, कोई भी पार्टी सुनने और देखने को तैयार नहीं है। आपको बताएं, घुगली का चीनी मिल कभी यहाँ के किसानों के लिए वरदान मानी जाती थी और इस जगह को चीनी का कटोरा कहा जाता था। पूर्व में घुगली के क्षेत्र को काफी विकसित माना जाता था, जिसके वजह से अंग्रेजों ने इस घुगली के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का पहला चीनी मिल बनाने के लिए चुना था और पंजाब प्रांत के लाला केसर राम नारंग सन 1920 में घुगली में चीनी मिल का स्थापना किया था। समय गुजरता गया, चीनी मिल की स्थिति धीरे धीरे डमाडोल होती चली गई। 1920 से चलता रहा, 1920 से 1989 तक। सन 2 अक्टूबर 1989 को जब महाराजगंज जनपद गोरखपुर से अलग होकर के एक अलग जनपद बना, तब तक इस मिल का स्थिति एक तरह से ठीक ठाक था। लेकिन राजनीतिक और कुछ नेताओं के अपने राजनीतिक फायदे की वजह से इस चीनी मिल को फायदे होने के बाद भी बंद कर दिया गया। सन 1997 और 1998 में इस मिल को फायदे के बावजूद बंद किया गया और उस समय के तत्कालीन सांसद और वर्तमान के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल से इस मिल को एक सीजन के लिए किसी प्रकार से चालू करवाया गया। लेकिन पुनः किसी कारण से सन 1999 में इस मिल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और तब से लेकर के आज तक ये मिल कभी नहीं चला। और बात करें किसानों की, तो यहाँ लाखों किसान इसी चीनी मिल के वजह से और इसी चीनी मिल के सहारे गन्ने की खेती करते थे और उसी गन्ने की खेती से किसानों का आज जो है कि बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही यह चीनी मिल बंद हुआ, उन किसानों के ऊपर एक तरह से काफी परेशानी टूट पड़ी। बताएं आपको, जब चीनी मिल यह बंद हुआ तो उस समय 928 कर्मचारी कार्यरत थे। चीनी मिल बंद होने के कारण उन 928 लोगों का रोजगार तो छीना ही छीना, साथ ही साथ इस महाराजगंज जनपद का सबसे विकसित क्षेत्र घुगली का विकास पूरी तरह से थम गया। लाखों किसानों के ऊपर संकट का बादल मंडराने लगा और वही कारण है कि इस तराई के इस क्षेत्र में, तराई के इस माटी में किसानों ने गन्ना बोना ही बंद कर दिया। क्योंकि चीनी मिल बंद होने के बाद किसानों के लिए बहुत बड़ा संकट यह पैदा हो गया कि अपने गन्ने को कहाँ ले जा करके बेचेंगे। हमारे ठीक पीछे देखिए ये मिल है और यही जो किसान अपना गन्ना लेकर के आते थे, जिससे कि उनके घर में चूल्हा चौका होता था। लेकिन कुछ नेताओं के वजह से फायदे में चलते होने के बावजूद भी इस मिल को बंद कर दिया गया। हमारे ठीक सामने देखिए वो गन्ना विभाग है और वहीं पे गन्ना का सारा कारोबार और सारा काम किया जाता था। और ये गोलंबर है, लोगों बताते हैं इसी गोलंबर में बैठ करके कर्मचारियों के द्वारा इस मिल में किए जा रहे तमाम कार्यों का निर्देशित किया जाता था। लेकिन चीनी मिल बंद होने की वजह से इस क्षेत्र का विकास तो थमा ही थमा, साथ ही साथ यहाँ के किसानों ने गन्ना बोना ही छोड़ दिया। और आपको बताएं, वर्तमान में स्थिति देखा जाए तो 20 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से जितना विकास घुगली में हुआ था, आज भी उतना ही विकास हुआ है, उससे ज्यादा विकास नहीं हो पाया। कारण ये है कि अगर ये चीनी मिल रहता तो कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों का आय बढ़ोतरी होती आय में, और यहाँ के किसानों की स्थिति थोड़ी सी अच्छी तो जरूर होती। तो मोदी जी, आपसे निवेदन है कि महाराजगंज जनपद में यह इकलौता मिल नहीं बल्कि एक और मिल गड़ौरा में है, उस मिल को भी बंद कर दिया गया। और ऐसे ही मिल जब बंद होते चले जाएंगे तो आप किस मिल के चीनी से चाय बनाएंगे और चुनाव में आकर के यहाँ से लोगों को, यहाँ के लोगों को कौन सा चाय पिलाएंगे? बताएं, यहाँ के निवासी, यहाँ के व्यापारी किसी प्रकार से छोटे छोटे व्यापार करके घुगली के विकास के पहिया को धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी भी यहाँ का विकास पूरी तरह से ठप है, क्योंकि ये उसका मेन कारण, उसका मुख्य कारण ये चीनी मिल है। तो निवेदन है, सरकारें आती रही जाती रही,
लेकिन कोई भी सरकार पहल नहीं किया कि महाराजगंज जनपद का जो पहचान हुआ करता था उस पहचान को पुनः चालू करवाया जाए और यहाँ के किसानों के आय को दोगुना कराया जाए। बड़े बड़े वादे करते हैं तो कोई भी पार्टियां हो जब सरकार में आती हैं तो बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन उन वादों को कितना भुनाती हैं, उन वादों को कितना पूरा करती हैं, ये भारत के बच्चे बच्चे को पता है। क्योंकि अगर उन वादों को पूरा किया गया होता तो आज महाराजगंज जनपद का जिसको पहचान कहा जाता है ये गोली का चीनी मिल आज चालू होता और यहाँ 1928 लोगों का जो परिवार था वो कहीं ना कहीं अच्छे दौर से गुजरता, उन परिवारों का विकास होता और साथ ही साथ उन लाखों किसानों का भी विकास होता, आय में वृद्धि होती और वो लाखों किसानों के घर पे सुख शांति से उनके बच्चे खाना खा पाते और अच्छे से पढ़ाई कर पाते और पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे पद पे जाते, एक अच्छे पोस्ट पे जाते तो कहीं ना कहीं देश का विकास करते। लेकिन घुगली के इस चीनी मिल पे किसी का ध्यान नहीं है क्योंकि एक राजनीति का छोटा हिस्सा है और ऐसे हजारों करोड़ों हिस्से, हजारों करोड़ों मुद्दे इस देश में पड़े हुए हैं, नेताओं को केवल अपने फायदे से मतलब है, न कि भारत के या इस महाराजगंज जनपद के घुगली के किसानों से मतलब है। तो ऐसे सरकार, ऐसे किसान और ऐसे मिल के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।